दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप वेस्टिज के प्रोडक्ट 100% रिटर्न कैसे करवा सकते हो, क्योंकि वेस्टिज हमें 100% मनी बैक गारंटी का ऑफर देती है, तो उसके तहत आप ये फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वेस्टिज से रिलेटेड वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं। तो बहुत बार वेस्टेज में ऐसा होता है कि डिस्ट्रीब्यूटर अपने अपलाइन के कहने पर बहुत सारे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं ताकि वो अपना लेवल मेंटेन कर पाएं। तो हो सकता है ये समस्या आपके साथ कभी आई हो या फ्यूचर में कभी आ सकती है। पर दोस्तों, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को मेंटेन करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जो उनके कभी काम ही नहीं आएंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट उनकी पसंद के नहीं होते और वो कभी उनको सेल भी नहीं कर पाते। इसी प्रॉब्लम की वजह से उनका प्रोडक्ट फंस जाता है और पैसा भी वसूल नहीं होता। लेकिन यही गैर जरूरत का प्रोडक्ट अगर रिटर्न हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, आपने सही सुना, आप भी अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करवा सकते हैं। तो गाइस, आज का टॉपिक इसी समस्या के लिए है कि आप अपना प्रोडक्ट कैसे रिटर्न करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा अपने अपलाइन के कहने पर, अब वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है और आप उसको सेल भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न करवा सकते हैं। तो गाइस, जैसे कि हमने पहले ही बताया था कि वेस्टिज हमें 100% मनी बैक गारंटी देती है या एक पॉलिसी देती है जिसके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करवा सकते हैं और उसकी जगह अपना पसंदीदा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट हो जिसको आपने खरीदा है, आप उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं या उसको सेल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उसको रिटर्न करवा सकते हैं। पर उसका एक कारण होगा, वो आपको बताना पड़ेगा वेस्टिज को। तो इसकी एक प्रोसेस होती है, उसको आपको पूरा करना पड़ेगा। तो वेस्टिज की प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी क्या है? वेस्टिज बोलती है कि अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है या फिर पैकेजिंग में कोई दिक्कत है तो कस्टमर अपना प्रोडक्ट रिटर्न करवा सकता है। पर कस्टमर को 30 दिन के अंदर प्रोडक्ट रिटर्न करवाना है और वो भी ओरिजिनल बिल के साथ। इसके साथ जब वो फॉर्म भर रहा होगा उस समय उसको एक रीज़न भी बताना पड़ेगा कि वो रिटर्न क्यों करवा रहा है। इसके साथ ये डिस्ट्रीब्यूटर की ऑब्लिगेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर को सेटिस्फाई करें और कस्टमर को सही जानकारी दे कि वो कैसे प्रोडक्ट रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पर कस्टमर के पास ऑप्शन है कि अपना पुराना प्रोडक्ट देकर वो उसकी जगह नया प्रोडक्ट ले सकता है। अगर कस्टमर नया प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता, कंपनी उसको केस वाउचर देगी जिसके माध्यम से वो दूसरे प्रोडक्ट खरीद सकता है। तो ये चार चीज़ कस्टमर को DLCB ऑफिस में सबमिट करवानी होगी। पहला, प्रोडक्ट रिटर्न फॉर्म। दूसरा, रीज़न फॉर रिटर्न, प्रोडक्ट रिटर्न क्यों कर रहे हैं। तीसरा, कॉपी ऑफ इनवॉइस, मतलब कि ओरिजिनल बिल। और चौथा, प्रोडक्ट टू बी रिटर्न, जो प्रोडक्ट रिटर्न करवाना है। तो ये है प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी। तो इस प्रकार आप अपना प्रोडक्ट रिटर्न करवा सकते हैं ये फॉर्म भरकर। अब क्वेश्चन उठता है कि आपको ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? तो आप ये फॉर्म ले सकते हो किसी भी DLCP सेंटर से, वहाँ पर आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। फिर इसमें जो डिटेल जानकारी है उसको भरकर आप उनको दे देना। इसके साथ क्या कारण था वो भी आप बता दोगे, तो आपका प्रोडक्ट इजीली रिटर्न हो जाएगा और आपको पैसा भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास दो चॉइस है, उसके बदले आप नया प्रोडक्ट ले सकते हो या फिर इन केस करवा सकते हो। तो अगर इसकी पूरी जानकारी लेनी है तो आप कस्टमर केयर से एक बार बात कर लें। तो गाइस, उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी कि हम अपना प्रोडक्ट कैसे रिटर्न करवा सकते हैं। इसको अपनी टीम के साथ जरूर शेयर करें ताकि लोगों की जो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। ऐसे ही हमने वेस्टिज से जुड़ी हर समस्या की वीडियो पहले से बना रखी है, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको वेस्टिज में कोई भी समस्या ना रहे। थैंक यू।